सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि तुम इतनी लालची निकलोगी। अच्छा, सिर्फ मैं ही लालची हूँ और आप? मैं तुम्हें आखिरी दफा समझा रही हूँ गुल, मुझे मेरी अंगूठी वापस करो। दिखाया मैं किन अल्फाज में आपसे कहूँ कि मेरे पास आपकी अंगूठी नहीं है। क्यों यकीन नहीं करती आप मेरी बात पर? यकीन नहीं है मुझे क्योंकि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पास ही है मेरी अंगूठी। ठीक है, मेरे पास ही आपकी अंगूठी। नहीं दूंगी, आप क्या कर लेंगी? बोले तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। अच्छा, अगर कोई मुझे तंग करे ना और मेरे पीछे पड़ जाए तो मैं उसका जीना हराम कर देती हूँ। मौत मांगता है वो, मौत, समझे तुम? सोया है नसीबा रबा, ऐसी है जुदाई वे। जानबूझ के डराया है ना मुझे। आप डरती भी हैं। गौहर डरती तो किसी के बाप से भी नहीं है। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। अच्छा, अगर कोई मुझे तंग करे ना और मेरे पीछे पड़ जाए तो मैं उसका जीना हराम कर देती हूँ। मौत मांगता है वो, मौत, समझे तुम? आइंदा ना ये अपना मुंह लेके मेरे सामने मत आना, अच्छा? वरना वो अशर करूंगी ना कि नानी याद आ जाएगी तुमको तुम्हारी, समझे तुम? ओ, बाबा की रानी, कैसी हो मेरी जान? मैं ठीक हूं, आऊंगा बेटा, आऊंगा, जल्दी आऊंगा। माँ की तबीयत खराब है तो उससे कहो किसी डॉक्टर के पास जाए। बात कराओ उससे मेरी। तुम्हें पता है कि मैं नूर बानो की कॉल कभी मिस नहीं करता, इसलिए उससे फोन करवाती हो। तो मैं क्या कहूं? जाओ, जाके किसी डॉक्टर को दिखाओ। फिर अम्मी के पास बैठकर मेरे खिलाफ उनकी कान भर रही थी ना। गलत फहमी है तुम्हारी गुल। आपकी वजह से अम्मी मुझसे, मेरी वजह से? मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। वो नाराज हैं तुम्हारी वजह से, दुखी हैं तुम्हारी वजह से। देखो गुल, उनकी रिंग उन्हें वापस कर दो। नहीं करो ये सब, तुम्हें पहले भी समझाया था मैंने। जाकर माँ को मनाओ, माफी मांगो उनसे, गले लगाओ उन्हें, उनकी रिंग उन्हें वापस कर दो। जाओ, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसा रहा दिन? सब ठीक है? सब ठीक था, लेकिन क्या? गौर आपी उमर के पास गई थी। वो तो रोज ही जाती, लेकिन साकिब वो बहुत गुस्से में वापस आई आज। क्यों? शायद जहांगीर भाई ने कोई बात ऐसी करती हो सकता है उमर को वापस लाना चाहती हो। पता नहीं मुझे, लेकिन अभी भी गुस्से में है क्या? अब तो ठीक है, आप जाके बात कर लें उनसे। नहीं रहने दो, अगर ठीक है तो छोड़ो, कोई अहम बात होगी तो खुद ही कर लेंगे मुझसे। चाय पिलवा दो। पिलाती। क्यों खौफजदा हो बेटा? क्यों ऐसी बातें करती हो? दुनिया में हर लड़की की शादी होनी होती है। कर अम्मी, जरूरी तो नहीं है कि मैं शादी करूं। बहुत सारी लड़कियां शादी नहीं करती, और वो खुद नहीं करती, अपनी जिंदगी खुशी से गुजारती है। बिला वजह क्यों जिद कर रही? अम्मी, जिद मैं नहीं कर रही हूँ, जिद आप कर रही हैं। बेटा, जिसको तुम जिद का नाम दे रही हो ना, वो मेरी ख्वाहिश है, आरजू है मेरी। और मेरी ख्वाहिश और मेरी आरजू ये है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं। और मेरे बाद कुछ नहीं होगा अम्मी, आपको मैं आपके हाथों में अपना दम तोड़ूंगी। अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तो हर वक्त तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए दुआएं करती हूँ, और तुम हो के नहीं। बस मुझे शादी नहीं करनी। इतनी अच्छी जॉब थी मेरी, वहां छुड़वा दी आपने, ले आई यहाँ पे। मिल लिया उन लोगों से आपने, क्या फायदा हुआ उनसे मिलके? बेटा, वो जहांगीर कह रहा था कि उसके जानने वाले हैं। आप उन्हें मना कर दें। क्यों सुंदस? क्या मिलता है शादी करके अम्मी? दुख, आंसू, अकेलापन। बाबा ने आपको छोड़ दिया किसी और की खातिर। अम्मी, मैंने तो हमेशा आपको इसी तरह से देखा है। बेटा, वो मेरा नसीब था। मुझे अपना नसीब ऐसा नहीं चाहिए अम्मी। मैं खुश हूं आपके साथ, प्लीज। क्या हो गया? क्यों हर वक्त इस तरह रहने लगी हो? किस चीज की कमी है? खुदा का शुक्र अदा करो और खुश रहो। हसन, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। क्या नहीं समझ रहा? बताओ। आप ही मेरे और अम्मी के दरमियान आ गए हैं। सारा वक्त उनके पास बैठी रहती है, पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती है, और मैं यहाँ पर अकेली। तो तुम भी उनके साथ बैठ जाया करो, बातें करो। आप ही की मौजूदगी में। कहना क्या चाहती हो तुम? देखो गुल, जब आप ही उल्टी हरकतें करती थी, तब तुम्हारी ये शिकायत बनती थी, तो तब मैंने तुम्हारा आंटी का साथ भी दिया। लेकिन अब जब आप ही तुम्हारा, भाभी का, आंटी का, सबका ख्याल रखती है, सबसे प्यार करी, क्या चाहती है? उन्हें मना कर दो ये सब करने से? मेरे सर में दर्द हो रही है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है मैंने। अजीब वहशत होने लगी है, गुस्सा आ रहा है मुझे। अच्छा रिलैक्स करो, सुबह से कुछ नहीं खाओगी तो यही हाल होगा। ये मत भूलो कि तुम्हारे साथ एक और भी जिंदगी है, उसका ख्याल रखो। चलो बाहर चलते हैं, जो तुम्हारा दिल करे खा लेंगे। पास में पार्क भी है, वो वॉक भी कर लेंगे। चले चलो अच्छा। किसका नंबर है? हेलो, अब तो आपका गुस्सा ठंडा हो गया होगा। अच्छा तुम? शुक्र है आपने पहचान तो लिया। बकवास बंद करो अपनी। नंबर कहां से मिला मेरा तुमको? दिलावर शाह को जो चीज चाहिए होती है ना, वो पाताल से भी निकाल देता। क्या मुसीबत है, क्यों पीछे पड़ गए हो मेरे? क्या चाहते हो मुझसे? आपसे बात करना चाहता हूँ। और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। खबरदार जो आइंदा मुझे फोन किया, समझे? मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मेरा नंबर कहां से मिला? तो यार कहां आना है मुझे? आखिर मैं यहीं खड़ा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ तो मिलो ना मुझसे, अब मैं कहां जाऊं? और अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें तो थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। सब पूछो कैसी है गुलरुखा? ठीक हूँ। अच्छा तो ये है वो जिनकी खातिर आपने मुझसे मंगनी तोड़ी। खैर मंगनी तो टूटनी ही थी। ये ऐश और इशरत, ये गाड़ी, मुझे जैसा गरीब आदमी तो नहीं दे सकता था आपको। सर बहुत चाहता था मैंने, लेकिन जाहिर है मुझसे ज्यादा आप चाहते होंगे। खैर चलता हूँ, ख्याल रखिएगा इनका बहुत। मैं कभी जिक्र नहीं किया कि तुम्हारी मंगनी हुई थी। जो चीज खत्म हो गई उसका मैं क्या जिक्र करती हूँ? लेकिन तुमने मेरी वजह से उस बेचारे का दिल तोड़ा है। तो फिर देख लें आप मुझे कितने ज्यादा अजीज हैं जो मैंने उसका दिल तोड़ा। जी मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझसे? शुक्र है कोई मुझसे तो जरूरी बात कर रहा है। बताइए। मेरे एक बिजनेस पार्टनर है, बहुत अच्छी फैमिली है। उनका बेटा अभी यूके से अपनी डिग्री कंप्लीट करके आया है। मैंने तुम्हारी अम्मी से इस बारे में बात की थी, सोचा तुमसे भी कर लूं। एंड आई एम सॉरी, वो मैंने तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी की बातें सुन ली थी और तुम्हारे पापा के बारे में। अच्छा, अम्मी को ही नहीं बताइएगा कि आपने हमारी कोई भी बात सुनी? नहीं, बात तो मुझे तुमसे भी नहीं करनी थी, लेकिन मैंने बहुत सोचा इस बारे में तो मुनासिब यही लगा कि तुमसे बात कर लूं। देखिए, अगर आप उन साहिब के बारे में बात करने जा रहे हैं तो मैं अभी इस मूड में बिल्कुल भी नहीं, और मैं मेंटली टॉर्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहती। ओके, सो बिग नो प्लीज। इसमें मेंटल टॉर्चर वाली क्या बात है? ये तो बड़ा अच्छा रिलेशन होता है। होता होगा, आई डोंट केयर। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मामा की कदर नहीं की, लेकिन सब लोग एक जैसे तो नहीं होते। मे बी, लेकिन मेरी नानू कहा करती थी माँ के नसीब का साथ बेटियों पे भी जाता है। नहीं नहीं, ये गलत है। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि बड़ों की बातें गलत हो सकती है? नहीं, देखो, बड़ों की बातें अपनी जगह सही है, लेकिन अल्लाह पर भी तो भरोसा करना चाहिए ना, और इस तरह सब कुछ छोड़ देना ये किसी मसले का हल तो नहीं है। अच्छा, मुझे आपकी फिलॉसफी नहीं समझ। पानी लेने आई थी और पानी लेके जा रही हूँ। गुड नाइट। आप ये मेरा कार्ड आप अपने पास रखें। ये किस लिए साफ़ है? बस आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक इसे यूज कर लीजिएगा, मैं और पैसे डलवा दूंगा। मेरी सारी जरूरतें पूरी हो तो रही हैं साकिब, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम रखो अपने पास। नहीं, आप ये आपके लिए, आप अपने पास रखें प्लीज। कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूँ आप डिस्टर्ब लग रही है। नहीं नहीं साकिब, ऐसी कोई बात नहीं है। भी थोड़ी देर पहले ही अफशान से कह रहा था कि शायद आप ही को उमर याद आ रहा है। अभी उमर को बुलवा लो, मैं जहांगीर से बात करता हूं, कल ऑफिस से वापसी में उसको अपने साथ लेता आऊंगा। नहीं नहीं, उमर को अभी वहीं रहने दो, उसका वहां रहना ही ठीक है। लेकिन आप यार देखो, जहांगीर अभी राबी और दुआ के सदमे से गुजर रहा है, उमर की वजह से वो जरा से संभल चुका है। अगर उमर यहाँ आ गया तो वो बिल्कुल ही अकेला रह जाएगा। अभी कुछ दिन और उसको वहां रहने दो। ठीक है। चलो, रात काफी हो गई, अब चल के थोड़ा आराम कर लेते हैं। वक्त और हालात ने आप ही को कितना बदल दिया है। मुझे लगता है जैसे अम्मी की जगह उन्होंने फिर से ले ली। उसी तरह सबके लिए फिक्रमंद होना, उसी तरह सबका ख्याल रखना, या अल्लाह तेरा शुक्र। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी बहन के साथ बदतमीजी करने की? हो कौन तुम, क्या चाहते हो? कौन हो तुम? सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। क्या बता दूं मामा को कि बाबा और सिंधु साहब ही बैठ के बातें कर रहे थे, लेकिन मैं तो कुछ सुन ही नहीं सका। क्या बताऊंगा? नहीं नहीं, अगर मैंने बता दिया तो मामा फिर आकर संतोष आपी की इंसल्ट करेंगी। नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। अगर पूछेंगी तो भी नहीं बताऊंगा। गुल, क्या खाओगी? क्या बनवाऊं तुम्हारे लिए? मुझे नहीं पता, जो दिल चाहे बनवा लीजिए। तुमसे पूछ रही हूँ, जो तुम्हारा दिल है बता दो, वही बनवा देती हूँ। जो बनेगा मैं खा लूंगी। गुल, तुम्हें अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। बता दो ना उसे, अगर कुछ दिल चाह रहा है तुम्हें खाने को। तो आप सब मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं आखिर? क्या बात है गुल, इतनी बेजार क्यों रहती हो तुम? बस अब खत्म करो नाराजगी, मत करो इस तरह। कौन लेकर आए हैं? बीबी जी, ये वो ही साहब लेकर आए हैं आपके लिए गुलदस्ता। दिमाग खराब है तुम्हारा, कोई भी कुछ देगा और तुम लेके अंदर आ जाओगी। अकल से काम लिया करो थोड़ा। बीबी जी, उन्होंने कहा था कि आपकी उनके फोन पर बात हो गई है। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। तुम्हें उसने फोन किया था क्या? कौन है ये आदमी? है कोई दीवाना, घटिया इंसान, ठीक आदमी। ये डस्टबिन में डलवा देना। क्या चक्कर है ये? कौन हो सकता है यार? मम्मी को सब पता है, मगर कैसे छुपा रही है? हवा तक नहीं लगने दी मुझे। जरूर कोई बड़ा चक्कर है। फूल भी भेजे जा रहे हैं। उसका इलाज करना पड़ेगा गौहर। करती हूँ अभी इसका इलाज। छोड़ूंगी थोड़ी इसको मैं। जी अरे खुशनसीबी है मेरी कि आपने मुझे फोन किया। खुश नसीबी नहीं, बदनसीबी है तुम्हारी। अब मैं अपने भाइयों को बताऊंगी। जब वो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के फेंकेंगे ना, तब पता चलेगा तुम्हें। अरे मैं तो खुद आपके भाइयों से मिलना चाहता हूँ। मिलो तो सही, मार मार के वो हशर करेंगे ना तुम्हारा कि तुम्हारे इश्क का बुखार उतर जाएगा। शाम तक तो आ जाते होंगे ना घर, तो मैं उसी वक्त में उनसे मुलाकात के लिए हाजिर हो जाऊंगा। खबरदार, खबरदार जो तुम मेरे घर की तरफ बढ़े भी, मैं तुम्हें। हेलो हेलो, क्या हुआ गौर? क्या कह रहा था? कह रहा था कि भाइयों से मिलने घर आएगा। इतनी हिम्मत उसकी! हम अब क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती उसमें। देखा नहीं, भाइयों का नाम सुनते ही कैसे फोन रख दिया। जान निकल गई उसकी। घर आने की हिम्मत तो नहीं करेगा। ठीक कह रही हो, इतनी जुर्रत नहीं करेगा। वैसे भी ये सब टाइम पास करने के लिए बोल रहा होगा। तो ये पता होना चाहिए उसकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। बस अभी तुम्हें कॉल करने का सोच रहा था। आपने याद किया तो मैंने कॉल कर ली। ये भी हो तो ऐसी। कब तक घर आ जाएंगे आप? भाई फैक्ट्री गए हैं, उन्हीं के पास जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है आप जल्दी आ जाएं, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। सब ठीक तो है ना? हाँ सब खैरियत है। अगर कोई जरूरी बात है तो बता दो। अरे बाबा कोई खास बात नहीं है, बस आपकी याद आ रही थी तो मैंने सोचा कॉल कर लूं। बस आपकी आवाज सुनने को दिल चाह रहा था। चलो ठीक है, मैं 1.5-2 घंटे में पहुंचता हूं। ठीक है ओके। पता तो आपको तब चलेगा जब आप घर आएंगे। हेलो हेलो। हाँ सुंदर क्या हुआ, खैरियत तो है? वो अम्मी की तबीयत एकदम से बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अरे क्या हुआ उन्हें? उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है। उनकी मेडिसिन्स खत्म थी, उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि उनकी मेडिसिन्स खत्म है। इफ पॉसिबल तो आप जल्दी से किसी तरह से मेडिसिन्स भिजवा सकते हैं? हाँ मैं घर की तरफ ही आ रहा था, मैं खुद लेता आऊंगा। बस तो मुझे व्हाट्सएप कर दो कौन सी मेडिसिन चाहिए। जी थैंक यू सो मच। और परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर। ओके कौन है ये? ऐसे कैसे हमारी बहन को तंग कर सकता है? हसन आप ही मुझे गुल ने सब बता दिया। बीबी जी साहब जी बाहर कोई दिलावर अली शाह आए। इतनी हिम्मत! हसन कौन है ये, क्या हो रहा है ये सब? आप आए मेरे साथ। रुको मैं देखती हूँ उसे। आप ही आप लोगों में से किसी को बाहर आने की कोई जरूरत नहीं, सुना आपने? लेकिन आप ही आप कहीं नहीं जाएंगी, इधर ही रहेंगी प्लीज। चलो हसन। आदमी का तो खून पी जाऊंगी, जान से मार दूंगी इसे। कैसे हमारी बहन के साथ बदतमीजी करने की? हो कौन तुम, क्या चाहते हो? सब कौन हो तुम? गौहर से शादी करना चाहते हो? सोच समझ के बात करना। ये क्या करे? छोड़ो उसे। रोको, अरे रोको मर जाएगा। रोके इन्हें, आप रोको इन्हें। रब नवाज छोड़ दो, छोड़ दो। समझ गया गौर से शादी करना मेरा आखिरी फैसला है। उससे पूछ के मुझे इन्फॉर्म कर दो कि निकाह करने कब आऊं। क्या तमाशा है ये? कौन है वो शख्स? अरे भाई मुझे क्या पता, मैं तो जानती तक नहीं उसे। उस दिन उमर से मिलके घर आ रही थी तो क्या जरूरत थी सड़क पर लोगों से लड़ने की, बिला वजह बहस करने की। नहीं, मुसीबत मोल ली। भाई तुम परेशान मत हो, मैं निमट लूंगी। आप कुछ नहीं करेंगी। और उसे आपका नाम और ये घर का एड्रेस किसने दिया? हसन, ये मुसीबत गौहर के गले में बहुत दिनों से पड़ी हुई थी। पहले उस आदमी ने अपने गार्ड के हाथ फूल भिजवाए माफी मांगने के लिए, लेकिन गौहर ने तो खड़ी खड़ी सुना दी उसको और भेज दिया। लेकिन हैरत यह कि आज फिर वो पहुंच गया। इतना सब कुछ हो गया और हमें बताया तक नहीं। आप ये अगर उसने अपने गार्ड्स को माफी मांगने के लिए भेजा भी था तो बात को वहीं खत्म करना था। बात बढ़ाने की क्या जरूरत थी? तो क्या करती, एक अनजान आदमी से फूल लेके रख लेती मैं? हसन का ये मतलब नहीं है आप ही। आपको बस उससे बिला वजह उलझना नहीं चाहिए था। गुस्सा आ गया था मुझे, काबू नहीं रहा खुद पर, दिमाग खराब हो गया था मेरा। इस तरह बहस करने का कोई फायदा नहीं, हमें मिलकर कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। क्या हल निकालना है? वो हमारे घर में घुस के बदमाशी करके गया है, उसका जवाब हम उसके घर में घुस के देंगे। क्या करेंगे आप? जान से मार दूंगा उसको। नहीं नहीं हसन, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फिलहाल आप अपने आप को इस मामले से दूर रखिए। आप फजूल बकवास कर रही हो। वो हमारे घर में बदमाशी करके गया है और तुम कह रही हो मैं खामोश रहूं, कुछ न करूं? हसन, जब वो यहाँ आया था ना तभी तुम्हें उसकी गर्दन मरोड़ देनी चाहिए थी। उसने जो कुछ भी किया है उससे ये साफ जाहिर है कि वो एक आम आदमी नहीं है। इस तरह से किसी के घर में बेखौफ घुस जाना, वो भी गार्ड के साथ बंदूक ताने, उस आदमी से कोई बैद नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है। तो क्या करें, चूड़ियां पहनकर डर कर अपने घर में बैठ जाएं हम? नहीं हसन, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। खामोश रहो तुम। ये मामला हमारी घर की इज्जत का है, हमारी बहन का है, तो तुम कह रही हो मैं खामोश रहूं, इसमें ना पढ़ूं? उसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इसकी नस्लें याद रखेंगी। ऐसे जज्बात से काम लेके कोई फायदा नहीं। लेकिन भाई हमें नहीं पता वो शख्स कौन है, कहाँ रहता है, लेकिन एक बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि वो कोई आम इंसान नहीं है और ऐसे शख्स से लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। देखो हसन, इस वक्त दिमाग को ठंडा रखो, समझदारी से कदम उठाना ही बेहतर है। अगर हम उससे लड़ते हैं तो बात बिला वजह बहुत बड़ी हो जाएगी। बेहतर यह होगा कि मैं एसपी साहब को फ़ोन करूं और उनसे मीटिंग का टाइम लूं। हम दोनों उनके पास चल के बैठ के उनको सारा मसला बताते हैं। साकिब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, आप बात कर लें उनसे। और हाँ, आप सब प्लीज हमारे पीछे इस घर से कोई बाहर नहीं जाएगा। मैं गार्ड्स को भी बता दूंगा कि बाहर से किसी को अंदर आने की इजाजत भी ना दी जाए। बोलो। आखिर मिली गया, दिलावर अली शाह से बच के कहां भागता। अच्छी तरह से खातिरदारी करो उसकी, मैं बस पहुंच रहा हूं। बात सुनो। जी साहब। अब चाहे कोई भी है, किसी के लिए दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं। इस घर की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी साहब। साहब मैं आपसे पहले भी बहुत शर्मिंदा हूँ। उस वक्त उसके लोग बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से मैं बेबस हो गया था। इंशाल्लाह अब ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं। ये कैसे कैसे लोग पैदा हो गए हैं भाई, ना लिहाज रही है ना शर्म। मतलब बंदूक की नोक पर कोई कुछ भी करने को तैयार है। ये तो शुक्र है कि साकिब ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। जरा 3-4 छित्तर पड़ेंगे ना इसको, सारी बदमाशी निकल जाएगी। लेकिन गौहर, तुमने एक काम बड़ा गलत किया है। अगर तुम ये बात पहले हसन और साकिब को बता देती ना, तो इन चीजों की नौबत ना आती। पता ही नहीं था मुझे कि सब कुछ हो जाएगा। सब पता था आपको, सब जानती थी आप। और अम्मी, आपकी बात से मैं मुत्फिक नहीं हूँ। ये दुनिया शरीफ लोगों से भरी पड़ी है। कोई कितना ही बड़े से बड़ा बदमाश क्यों ना हो, जब तक उसे शय नहीं मिलती ना, ऐसे किसी के घर नहीं आ पहुँचता वो, और वो भी उसके भाइयों की मौजूदगी में। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मैंने उसे यहाँ पे बुलाया। हो भी सकता है गैरतमंद भाइयों की वजह से मामला बिगड़ता देखा हो तो फौरन रंग बदल लिया हो आपने। बकवास बंद करो अपनी। क्या कह रही हो ये तुम? लिहाज कर रही हूँ तुम्हारा मैं, वरना ऐसा उल्टा हाथ का दूंगी ना कि तुम्हारे दांत ही टूट जाएंगे। और जैसे कि मैं आपको दांत तोड़ने दूंगी। हाँ, खामोश हो जाओ। क्यों खामोश हो? सच बोला तो बुरा लग गया। इस घर में जो भी मुसीबत आती है उसकी वजह यही तो है। एक पल भी सुकून का, चैन का सांस नहीं आता, सिर्फ इनकी वजह से। मैं कह रही हूँ कि जाओ अपने कमरे में, जाओ यहाँ से। चली जाओ गुल। गौहर छोड़ दो, बच्ची है, दरगुजर करो। बच्ची है, दरगुजर करूं? सुना नहीं कि उल्टा सीधा बोलकर गई है मुझे। मैं जितना इज्जत और प्यार से पेश आ रही हूं, ये मेरे सर पे चढ़ती जा रही है। इल्जाम लगा के गई है मुझ पर। रहने दो ना इसकी बेवकूफाना बातों। मैं जानती हूं तुम्हारे साथ शुरू से क्या हो रहा है। अरे अलिफ से ये तक का पता है मुझे। इसे समझा रहे आप, वरना अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल फजूल, तुमने देखा नहीं, अब तो ये मेरा भी लिहाज नहीं करती है। देख रही हूँ, किसी का भी लिहाज नहीं रहा इस लड़की को। चलो आप परेशान मत हो। तुम्हारे भाई गए हैं ना थाने, शुक्र है ये मामला आज ही खत्म हो जाएगा।